तो भैया दिन की शुरुआत फ्री वाले ब्रेकफास्ट के साथ, डू नॉट एवर मिस, जब भी आपको मौका मिलता है तो हम भी कर लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पे। हमने लॉक कर दिया रूम और अब दो तीन दिन रहने के बाद रूपिन को याद हो जाता है कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। इज द लिफ्ट कमिंग? यस। ओके, व्हाट नंबर शोज ऑन द लिफ्ट? फाइव। ओके, से हाय टू एवरीवन। हाय टू एवरीवन। रूपिन मिस्टर वर्सेस अ प्रेस द बटन। बाय। हेलो एवरीबॉडी, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है डे 3 और हम लोग अभी भी रोम में हैं। पता नहीं यार क्यों, नीदरलैंड में तो ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, वहाँ पे लोग हुडीज और बहुत पतले पतले जैकेट्स में घूम रहे हैं, फिर भी हम लोगों को बहुत सर्दी हो गई है। रूपिन अपना बदमाशी में लगा हुआ है, अपना प्लान धोखा दे रहा है। चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। वैसे पूरा का पूरा रोम हमको ऐसा लगा दो दिन में हॉप इन हॉप ऑफ वाले बस में आप बैठ करके कंप्लीट कर सकते हैं। जिन लोगों को म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को 10 दिन भी कम पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़ियम्स में बहुत सुंदर सुंदर जगह है देखने के लिए। आप भी रोम आइए और रोम में करिए रोम। जब आप लोग रोम आए थे तो आप कहाँ रहे थे, आपको अफोर्डेबल लगा था कि नहीं, ये सब कुछ हमको कमेंट करके बताइए प्लीज़। ये बड़ा सा टर्मिनल, अंदर में मेट्रो रेल्स भी चल रहा है और बाहर आइए तो बसेस भी मिल जाएंगे, तो मतलब कि आपको इस जगह पे होटल लेना बहुत ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा हर बात में। हम तो भैया ये सोच के वीडियोस बनाते हैं कि अगर कोई मेरे टाइप की फैमिली जिसका बच्चा बड़ा नॉटी है, उसको हर बात में स्ट्रगल करना पड़ रहा है और घूमने का भी मन है, तो इस टाइप की जगहों को चूज़ कीजिए। मेरा वीडियो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। बस में भी इसकी बदमाशी नहीं जा रही है, बताओ। अब देखो दिखाते हैं। कहा जाता है कि रोमन्स को पानी से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए इन लोगों ने फाउंटेन सब जगह बना दिए थे। देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग्स, ऐसा लगता है जैसे जब से रोम शुरू हुआ था तभी से बनना शुरू हुआ था। और ट्रैफिक में बस के साइड में शीशे के पास खड़े होकर के पूरा देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम तो सीट में बैठते नहीं थे, देखते जाते थे, लुक एट दिस रोड, वाह अब हमारी बस यहाँ से मुड़ के जाएगी। अच्छा लगता है ना ऐसे में, काश बस के ऊपर बैठ के जा रहे होते तो बड़ा मस्त व्यू कैप्चर करते। अच्छा देखिए यहाँ पे आ गया है ट्रैफिक, लोग बस पार हुए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि बस थोड़ा सा खाली होगा कार बढ़ जाएगी, एकदम मतलब अजीब सा था ये जगह, लोग अपनी मनमानी में चल रहे थे। डू यू गाइज नो दैट रोम के अंदर एक छोटा सा अर्जेंटीना भी है और यहाँ का बस स्टॉप ये देखिए ला फेल्टिनेली, इसके सामने यहाँ का बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप से यहाँ के बहुत सारे टूरिज्म लोकेशंस के लिए बसेस मिलती हैं। जब आप रोम आएंगे आई एम 100% श्योर आपको अर्जेंटीना भी आना होगा। देखो भाई क्रिसमस खत्म हो गया लेकिन डेकोरेशन अभी भी है, और तो और सब डेकोरेशन में दिन के टाइम भी लाइट जल रहा है, बताओ बैटरी तो पूरा ही डाउन हो जाएगा। वैसे तो हम लेदर की दुकान में घुसे नहीं लेकिन ये बहुत अच्छी दुकान है क्योंकि यहाँ पे दाम लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमको लगता है वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दाम है इन सब चीज़ों का। क्विक फैक्ट्स अबाउट इटालियन लेदर, इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर, it is made of top layer of the hide without sanded or buffed it, this kind of treatment assures the customer a unique product which all type of skin imperfections and nuances, the full grain looks more natural and raw, every piece and its own features. ha to bhai log kuch pasand aaya, nahi bhi pasand aaya to bhi you're welcome kyunki humne aapko karayi hai Italian leather ki window shopping, all that hum log ko jana hai, ट्रैफिक है आगे में, लोग खड़े हैं, खड़े होकर आराम से गूगल कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पीछे से भी लोग आ रहे हैं और उनको जाना हो सकता है। ये क्या है? पब में हमेशा इस टाइप के फोटोज़ क्यों रहते हैं? डिस्को क्लब पब में ये बार बार रुक जा रहा है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे यूरोप में लकड़ी के खिलौने भाई बड़े फेमस है, चाहे तो आप स्विट्जरलैंड वाले व्लॉग्स हमारे देख लो। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, ओह माय गॉड पीपल एंड पीपल एट द सेम टाइम, टैक्सीज एट द सेम टाइम, पुलिस की गाड़ी एट द सेम टाइम। गली कोचा है भाई, गली कोचा। अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीछे से कार आ गई हमें पूछने के लिए। अब बताओ, हम किसी तरह से बच्चे को लेकर, प्रैम को लेकर साइड हुए हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पैंथियन के बॉर्डर पे लोग बैठ करके पिज्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं। ओके, जस्ट वॉच इट, डोंट फॉल पीपल, ही पीपल। और ये जो लाइन है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है और यही है। हम ऊपर देखेंगे, मागरिपा पढ़ने भी नहीं आ रहा भाई हमको, बट जो भी हो ये क्या जगह है। अरे दादा भीड़ बड़ी है, लंबी लाइन है, लेकिन क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको पैंथियन दिखाएंगे, तो ये लीजिए आ गए हम। यही है, इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यही एकमात्र ऐसा बिल्डिंग है रोम में जो रोमन लोगों ने बनाया था और वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, ना थोड़ा भी डिमोलिश हुआ है, ना तो इसको किसी भी तरह से फिर से बनाया गया है, है ना। पीछे में कुछ किला जैसा चीज़ दिख रहा है, राउंड सा। आई बिलीव ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, घुसने दे रहा है। जैसे हम लोग के राजस्थान में क्या होता है, बहुत सारी जगह पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घुसते हैं, तो इसके लिए चीज़ों को ख़राब कर देते हैं वो लोग। यहाँ पर भी वैसे ये लोग बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग छू छू करके देख रहे हैं, अंदर आ गए हैं हम लोग। पुराना मतलब बहुत पुराना राहुल, एक बार ऊपर देखो, वही वाला लकड़ी लगाया हुआ है। हम तो भाई अमीर हो गए देख करके। ऊपर में देखो ये वाला, तो बहुत सरप्राइजिंग, एक तो बहुत ऊपर है, बहुत 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 ऊपर, और दूसरी बात ये है कि वही लकड़ी वाला डिजाइन है जो हमारे ससुर बाड़ी अच्छे है राहुल। हाँ, इतना ऊपर कैसे बनाया, ओह माय गॉड, बहुत मेहनत किया इस कंस्ट्रक्शन में। और उस, हाँ हाँ राहुल बोल रहे कुछ सालों में ससुर बाड़ी भी 100 साल का हो जाएगा। यार इसका एंट्रेंस गेट है, अंदर जाते हुए ही बहुत सुंदर है। ऐसी जगहों के एंट्रेंस कितने भव्य होते हैं देखिए, लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और ये बस गेटवे की बात कर रहे हैं, देखो कैमरा रोल आउट। अच्छा ये प्रेयर की जगह है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको सर पे टोपी ओपी लगाना नहीं है। इसके बारे में आप सुन सकते हैं यहाँ पे खड़े होके, अगर आपके पास पेशेंस है और आपके पास इतना बड़ा बच्चा है तो, जिसको साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जो इटालियन, अच्छा इन सब चीज़ों की एकदम क्लासिक पूरे तरीके से फोटो कैसे बनाई जाए बोलो। इतना विशाल भव्य है ये देखो, उनको तो लगता है कि पूजा पाठ करने वाली जगह है ये। एक एक स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छा, और दूसरी बात ये है बहुत पुराना है ये, हम तो नहीं करने वाले लेकिन लोग यहाँ पे सब छू छू करके देख रहे हैं यार। अब एक राउंड मार के आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मूर्ति सब है, वो भी देखना अच्छा लगता है। माय गॉड कितने पुराने,
€2 डालिए। अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए पैंथियन रोमा इसके बारे में। बड़ा देखने का मन है लेकिन हम यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते हैं। उप्स, कहीं हमने इनका पिक्चर तो खराब नहीं कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सबको जिनको भी जिस चीज़ के भी बारे में पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमको मैक्सिमम चीज़ों के बारे में पता नहीं है भाई। और वैसे भी ये बहुत उन लोगों के इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं जो पुराने मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो हियर यू गो, ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो है। बीच में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर एक ऐसी जगह देखिए, ये सब अपने ही सुंदरता में बनाई हुई है और जीसस को प्रे करने वाली जगह है एकदम बीचों बीच। ये आपको दिख रहे हैं बेबी जीसस, फिर से वही गाना याद आ गया, मरियम कर कोरा में का तारा टिम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु येसु चमकेला। बहुत सारे फैक्ट्स हैं पैंथियन के बारे में, जैसे कि जितना पुराना दिख रहा है उतना पुराना है नहीं। और ये एक चर्च है, इसके छत के बीचों बीच ऊपर में सीलिंग पे एक बहुत बड़ा होल है। इट स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट अन रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट डोम इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज्ड टू बी कवर्ड इन ब्रॉन्ज, यू कैन पुट अ परफेक्ट स्फेयर इनसाइड। और इसका जो कनेक्शन है वो राफेल से भी है। ये रहा गेट और ये रहा ऊपर का ये जो डोम जैसा बना हुआ है। अब उसके बाहर देखो पूरा एकदम खाली आसमान, कैन यू सी दिस। अब बारिश होती होगी तो क्या होता होगा यार, भर भर के पानी गिरता होगा। तो पानी गिरने के बाद यहाँ नीचे ये ड्रेन बना हुआ है, इधर जाओ यहाँ बना हुआ है। इस पूरे एरिया में ये देखो ये बना हुआ है, इसमें पानी कलेक्ट होता है। ये देखो मतलब इतने पुराने टाइम में भी इतना बढ़िया डिज़ाइन। इसका जो डायमीटर है वो 142 फीट है, सोचो कितना बड़ा होगा, बिगर देन द सेंट पीटर्स ब्रसीला का डोम। अरे 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 अरे, अभी हम अमेज्ड हो ही रहे थे कि अचानक हमने ये चीज़ देख ली, तो आपको तो बताएंगे ज़रूर इसके बारे में। देखिए अरे यार, मतलब अगर आप बिज़नेस खोलना चाहोगे तो आप क्या क्या बिज़नेस भी कर सकते हो। मतलब ये हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ पर हमारे पीछे एक दुकान है। इस दुकान में जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो है आपकी चार्जिंग करने वाली चीज़ें। वहाँ पे बहुत सारे वायर्स अलग अलग एंड्रॉयड का, आईफोन का, सबका लगा होगा। ये लोग पैसे ले रहे हैं और आपका मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। दिमाग लगाओ, बिजनेसमैन बनो। क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज पैंथियन? तो भैया 1898 में बना था, आप फटाफट कैलकुलेट करके हमको बता दो कि कितना हुआ, कितना टाइम, कि हमको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा। एक एक पत्थर देखना चाहते हैं तो 2 घंटे फिर भी एनफ है। चलो चले, बस टाइम टू लीव। गूगल ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पैंथियन इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन रोम, नियरली 2 millennia ओल्ड एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर। अरे भाई वाह, डिटेल्स आप डाउनलोड कर लीजिए। अरे भाई प्रेम कहानियाँ क्या बताएं, बस बस। हमको लगता था लाना मजनू खाली इंडिया में ही है, देखो तो भाई दीवारों पे लिख दिया इन लोगों ने, बताओ। सारी चीज़ें घेरी हुई है, पुराना दरवाज़ा है, दोनों तरफ से सेम डिज़ाइन है, लेकिन भाई सबसे स्पेक्टैक्युलर तो हमको यही लगा, लकड़ी वाला छत। पूरा पैंथियन एक तरफ, ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा सरप्राइज की, छत। इट्स टाइम टू गो आउट, लेकिन ज़रूरी था इस जगह पे जाना भाई, वी एंजॉयड। बाय बाय पैंथियन। यहाँ पे अजीबो गरीब लोगों की भीड़ है और यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला हुआ है, सब लोग मिलके पनीनी खा रहे हैं। पनीनी कोई तोप चीज़ होती नहीं है भाई, फिर भी इसके लिए एक लंबा लाइन लगा हुआ है। देखो सैंडविच जैसी चीज़ है एकदम, उसमें वही चिकन बीफ मटन भरा हुआ है। सच अ बिग लाइन इट वाज कि बस वी एंडेड अप गोइंग इन आवर फेवरेट मकड़ी मकड़ी मकदुनाल्डू, लेकिन वहाँ भी भाई मैंडी में इतना ज़्यादा भीड़ था। ये एक इकलौती ऐसी जगह मिली जहाँ पर कोई नहीं है और हम लोग रोड के साइड
बैठ के खा रहे हैं मकड़ी। ये अच्छी बात है कि रुपिन के पास प्रैम है, वो बैठा है। अच्छा हुआ इस बार लेकर आए थे। हाँ And sitting in a? Trolley. And what are you going to eat? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। डे 3 अभी चालू है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।